सिर्फ 1:02 पर बर्तन धो के अंदर रख रहा था, उतने में सर गाड़ियाँ आती हैं तो उन्होंने मेरी आए तो दुकान को सील कर दिया। मैंने 5,000 रुपये उनको कैश दे दिया था, पर अब शायद वापस मिल जाए। उधार लिया था आपने? जी सर। चालान करने का मकसद है कि आदमी को सज़ा दी जाए, लेकिन इतनी सज़ा भी ना दी जाए कि वो मेंटल प्रेशर में आ जाए, और ख़ासकर एक गरीब बच्चे को जो अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपने घर का खर्चा एक दुकान पे चाय बेच के और दूध बेच के चला रहा है, ऐसे बच्चों को हम इतना हैवी फाइन कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा। जो हमारी बात अभी एसीआर साहब से हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चालान की राशि तो वापस की जाएगी, उसके अलावा इनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी और कुछ सामान भी इनको दिया जाएगा। नमस्कार। कुछ दिन पहले रियासी के ग्रामोड में एक डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाने वाले नरेंद्र शर्मा को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 5,000 का चालान किया गया था, और जिसके बाद सोशल मीडिया में ये खबर चली, क्योंकि जो नरेंद्र है वो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। खबर को काफ़ी लोगों ने देखा और उसके बाद जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 12 के अमित शर्मा जी, उन्होंने प्रशासन से इस मामले को उठाया, और उस उठाने के बाद आज जब प्रशासन से एसीआर रियासी से बातचीत हुई है और एसीआर रियासी ने ये माना है कि इन्हें जो चालान हुआ है 5,000 का वो भी वापस किया जाएगा, और इसके साथ ही कुछ और इनकी आर्थिक तौर पर भी मदद की जाएगी। काउंसलर अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है एसीआर रियासी से और क्या पूरा मामला हुआ था? देखिए, पिछले हफ्ते का ये वाकया है, जब हमें पिछले हफ्ते ही पता चल गया था, शनिवार को जब ये चालान हुए थे तो हमें उसी समय पता चल गया था कि आज फलानी फलानी दुकान जो है वो बंद की गई है, और मंडे को इनको जो है वो चालान किए गए हैं और 5,000 रुपये के चालान किए गए हैं, और सैटरडे को दुकान बंद रही, संडे को बंद रही, चलो वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन मंडे को भी इनको जो है चाबी शाम को दी गई दुकान को, मंडे को भी, और उसके बाद इनको 5,000 रुपये का चालान किया गया। तो जब इस बात का हमें पता चला, हमने, हमारे एक बड़े भाई हैं, उनका चैनल है रियासी टुडे, उसमें हमने ये न्यूज़ देखी, कल हमने न्यूज़ देखी, तो उस समय हमने ये फैसला किया कि क्यों ना हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस बच्चे की कोई मदद अगर कर सकें, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है तो हम 2-4 काउंसलर्स मिलकर इसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसी मसले में हम आज एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए थे, एसीआर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, तो हमने उनसे कहा है कि आप प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे जो भी मतलब फ़ाइन जो इम्पोज़ किए गए हैं, और ख़ासकर इस बच्चे ने तो उधार लेके वो फ़ाइन चुकाया है, तो एसीआर साहब ने इस चीज़ को सीरियसली लिया और उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया आज, और एश्योर किया है कि आधे घंटे तक इनके घर में जाके जो है कंसर्न ऑफिसर्स जो हैं वो चालान की अमाउंट भी इनको वापस की जाएगी, और उसके अलावा जो आर्थिक मदद इनकी वो भी की जाएगी। नरेंद्र भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र, जब चालान हुआ 5,000 का, तब आपने इसका विरोध किया था कि कम चालान किया जाए, और क्या पूरा वाकया हुआ था? क्या आप वाकई में जो नियम लागू किए गए हैं उसकी उल्लंघना कर रहे थे? सर, मैंने सिर्फ 1:02 हुए, शटर डाउन था आधा, तो चाबी ताला बार रखा। दिन की बात है? शनिवार की बात है, और 1 बजे तक आप डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें खोल सकते थे अपनी, यानी कि दुकान 1 बजे तक खोल सकते थे। जी सर। सर, मैंने सिर्फ 1:02 पर बर्तन धो के अंदर रख रहा था, उतने में सर गाड़ियाँ आती हैं तो उन्होंने मेरी आए तो दुकान को सील कर दिया, तो बोलते हैं मंडे को तहसीलदार के दफ्तर आना, उधर आपको फाइन होगा, तो चाबियां ले जाना, बस इतनी सी बात हुई थी उस दिन। वहाँ पे बताया गया था आपको कि 5,000 का चालान हुआ? जी सर, नहीं, खाली मुझे इतना बोला था कि आप तहसीलदार के दफ्तर आना, उधर से चाबियां ले जाना। तो जब चाबी लेने आप पहुँचे तो तब पता चला कि 5,000 आपको पे करने होंगे? जी सर। इसका विरोध आपने किया कि चालान कम किया जाए? सर, मैंने उनको बोला भी था सर, पर उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। बोल, उसके बाद इन्होंने बताया कि उधार लेकर आपको चुकाना पड़ा, उधार लिया था आपने? जी सर। तो आज क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या वो चालान की जो राशि है वो वापस दी जाएगी? आपने पे कर चुके हैं, आप वो अब वापस दी जाएगी? जी सर, मैंने 5,000 रुपये उनको कैश दे दिया था, पर अब सरकार की तरफ से मुझे मिला है तो शायद वापस मिल जाए। और कुछ मदद भी इनकी की जाएगी चालान की राशि के अलावा? क्या कितनी आर्थिक तौर पर इनकी कैश मदद की जाएगी या कुछ और तरीके से, किसी और तरीके से? देखिए, जो हमारी बात अभी एसीआर साहब से हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चालान की राशि तो वापस की जाएगी, उसके अलावा इनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी और कुछ सामान भी इनको दिया जाएगा। तो बढ़िया है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों की हेल्प करे, आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, रेड क्रॉस से लोगों की काफ़ी हेल्प होती है, तो हमने यही कहा है कि आप ऑफिसर्स को ये चीज़ ज़रूर बताइए कि हैवी फाइन इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई रूल्स जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं उनको वायलेट कर रहा है, आप उसको सज़ा दीजिए, एक दिन उसकी अगर आपने चाबी ली है उसको शाम को वापस दीजिए,
या 100 200 500 रुपया चालान जो आदमी बियर भी कर सकता है। चालान करने का मकसद है कि आदमी को सज़ा दी जाए, लेकिन इतनी सज़ा भी ना दी जाए कि वो मेंटल प्रेशर में आ जाए और ख़ासकर एक गरीब बच्चे को जो अपनी पढ़ाई का खर्चा, अपने घर का खर्चा एक दुकान पे चाय बेच के और दूध बेच के चला रहा है, और अगर ऐसे बच्चों को हम इतना हैवी फाइन कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई प्रोत्साहन मिलेगा, उल्टा इनका जो है वो मॉरल डाउन होगा। पूर्व राज्य मंत्री ने ये भी कहा था कि रेड क्रॉस में राशि जमा की गई है और उसमें पैसे जमा करवाए जाते हैं, और बड़े ऊपर अधिकारियों को ये बताने की कोशिश होती है कि देखो हमने कितने पैसे जमा कर दिए, इसलिए भी ज़्यादा चालान किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एसीआर साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमारा मकसद ये, हमने अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं कि आप हैवी फाइन इम्पोज मत कीजिए, आप उनको कुछ हद तक एक लिमिट रखिए फ़ाइन की, वो फाइन करिए। सरकार को ये दिखाने का मकसद नहीं है कि हमने इतना पैसा इकट्ठा किया रेड क्रॉस में, हमारा मकसद यह है कि इतने वायलेटर्स थे उनको हमने वायलेशन करते पकड़ा है और उनको ये फाइन किया गया है। नरेंद्र, अब कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैंने अभी 10th के पेपर दिए हैं, अभी पिछले महीने मेरा रिजल्ट निकला है, अभी 11th की स्टडी चालू करूँगा। आश्वासन क्या दिया है एसीआर रियासी के, जब आप मिल रहे थे तो क्या बात उन्होंने कही है, क्या मदद का भरोसा दिया है आपको और भी तरीके से? सर, उन्होंने बोला आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उधार लेकर जो चालान की राशि थी 5,000 रुपये, वो भुगतान किया है नरेंद्र शर्मा ने, जो कि ग्रामोट में डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाते हैं, टी स्टॉल चलाते हैं। और आपको बता दें कि आज एसीआर रियासी से अमित शर्मा जो काउंसलर हैं वार्ड नंबर 12 से, वो नरेंद्र के साथ एसीआर रियासी के ऑफिस में पहुँचे और उनसे बातचीत की गई है, और आश्वासन एसीआर रियासी द्वारा ये दिया गया है कि चालान की राशि वापस की जाएगी, ऐसा अमित शर्मा जी ने भी बताया। और इसके अलावा भी नरेंद्र की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी ताकि ये जो अपनी पढ़ाई है वो भी जारी रख सकें। तो चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।